हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कनिष्क और आप देख रहे हैं लाइफ इन अ स्लाइड। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि मैं रिव्यू करने वाला हूँ ये लेंस। ये एक निकॉन 500 पीएफ लेंस है जो कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं बनाता हूँ वीडियोज़ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी रिलेटेड जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल राइट गाइज, तो बात करते हैं हम पहले सेक्शन के बारे में, दैट इज़ द बिल्ड क्वालिटी। सो जब हम एक वाइल्ड लाइफ लेंस लेते हैं तो बिल्ड क्वालिटी एक बहुत बड़ा कंसिडरेशन होता है। एंड निकॉन 500 पीएफ के लिए मैं कह सकता हूँ कि ये एक प्रीमियम लेंस है एंड इसका बिल्ड भी प्रीमियम है। देर इज़ नो डिफरेंस इन द बिल्ड क्वालिटी इफ़ वी कंपेयर इट टू द निकॉन 500 F4 FL और द 600 F4। एंड लास्ट एक साल में मैंने इस लेंस को बारिश में इवन बहुत ही डस्टी एरियाज़ में भी यूज़ किया है, एंड मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा है कि निकॉन ने इसके बिल्ड में कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया है। और तो बिल्ड के मामले में दिस इज़ रियली गुड। अब हम कंपेयर करते हैं इसमें जो स्विचेस दिए गए हैं, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे मेमोरी रिकॉल बटन है, वैसे ही यहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा बटन्स दिए गए हैं। ये जो बटन्स हैं, दीज हैव बीन टेकन फ्रॉम, यू कैन सी देम इन द बिगर प्राइम्स। आई एम ग्लैड कि निकॉन ने ये सारे बटन्स एंड फंक्शनैलिटीज़ इस लेंस पे दिए हैं। प्लस इसके साथ ये सारे बटन्स हैं जैसे कि द ऑटो फोकस मैनुअल टॉगल, द VR टॉगल, VR इसमें स्पोर्ट्स VR है, नॉर्मल VR है। मैं जनरली नॉर्मल VR में यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे उसमें ऑप्टिमम रिजल्ट्स मिले हैं आज तक जितना भी मैंने इस लेंस को यूज़ किया है। उसके लिए हम एक डिफरेंट वीडियो में मैं डिटेल में आपके साथ बात करूँगा। प्लस इसमें मेमोरी रिकॉल बटन दिया गया है, टॉगल स्विच दिया गया है, एंड द लास्ट स्विच इज़ बेसिकली फॉर सम साउंड, मे बी फॉर फोकस एक्विजिशन और समथिंग, बट मैंने कभी आज तक इसको यूज़ नहीं किया है। अब हम इस लेंस के फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। लेंस काफ़ी लाइट वेट है, शायद इसीलिए निकॉन इसके लिए इतना प्राइस डिमांड करता है, बिकॉज PF लाइनअप इज़ फेस फ्रेशनर लेंस, जो कि एक लेंस एलिमेंट है इस लेंस के अंदर, विच रिड्यूसेस द वेट ऑफ द लेंस टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट। तो लाइट वेट 1.5 किलोज़ का लेंस है, एंड ट्रस्ट मी, आप जब इस लेंस को फील्ड में यूज़ करते हैं और साइड में आप एक 500 F4 लेंस यूज़ करते हैं, यू कैन डेफिनेटली फील द डिफरेंस। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मेरे पास निकॉन 200 टू 500 भी है। मैं जब से ये लेंस ख़रीदा हूँ, मैं हार्डली कभी उस लेंस को यूज़ किया हूँ, अनलेस एंड अनटिल मैं कोई सफारी में जाता हूँ जहाँ पर मुझे जूम चाहिए, द 200 mm फोकल लेंथ चाहिए, तब मैं उस लेंस को यूज़ करता हूँ। अदरवाइज ये लेंस को कोई बीट नहीं कर सकता। आई एम नॉट सेइंग बिकॉज आई एम अ प्राउड ओनर, बट मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि ये लेंस बहुत शार्प है, बहुत लाइट वेट है, और यही दो एस्पेक्ट्स जो निकॉन सोच कर बनाया है, इट एड्स टू द एडवांटेज। और आप अगर आप मुझे पूछें कि would you be upgrading to a 500 F4, तो मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूँगा नो। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो भी 500 F4 लेंस यूज़ करते हैं, मेरे जैसे फोटोग्राफर्स जो हाइक करना पसंद करते हैं, जो बर्ड्स को खोजना पसंद करते हैं, एंड देन दे स्काउट फॉर बर्ड्स लोकेशंस, उसके बाद उसे फोटोग्राफ करते हैं, उनके लिए ये लेंस से बेटर लेंस कुछ हो नहीं सकता। हम फर्दर सेक्शंस में इसके इमेज क्वालिटी के बारे में बात करेंगे वगैरह वगैरह। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द इमेज क्वालिटी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। राइट गाइस, अब हम बात करते हैं इस लेंस के ऑटो फोकसिंग कैपेबिलिटीज़ के बारे में, एंड ऑल्सो द इमेज क्वालिटी। इन शॉर्ट, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, और ये लेंस जो इमेजेस प्रोड्यूस करता है, दे आर रियली शार्प एंड रियली गुड। तो द कलर कॉन्ट्रास्ट, एवरीथिंग इज जस्ट अमेजिंग आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द कैमरा। एंड मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जब आप ये लेंस यूज़ करते हैं, आप 100% श्योर
हो सकते हैं कि चाहे बर्ड कितना भी छोटा क्यों ना हो, इफ़ इट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ क्लोज टू 30 to 40 feet अवे, इस डिस्टेंस में मैंने बहुत सारे छोटे बर्ड्स जैसे कि मुनियाज हो गए, किंगफिशर्स हो गए, मैंने शूट किया है एंड दे आर पिन शार्प. तो मैं ये कह सकता हूँ कि द इमेज क्वालिटी इज़ रियली अमेजिंग एंड ऑल्सो ऑटो फोकसिंग केपेबिलिटीज़ आर वेरी गुड. अब ये बहुत अच्छे से बर्ड को ट्रैक करता है, इवन इन फ्लाइट बर्ड्स जैसे कि स्वेलोज, बान स्वेलोज, इफ़ यू टॉक अबाउट रेड ड्रम स्वेलोज, इनका फ्लाइट बहुत एरेटिक है. एंड बट मैंने विद द हेल्प ऑफ दिस लेंस बहुत अच्छे से इन बर्ड्स को ट्रैक किया है एंड आई हैव टेकन इमेजेस. तो गोइंग फर्दर मैं आपको अभी दिखाऊंगा सीरीज ऑफ इमेजेस दैट आई हैव टेकन विद दिस लेंस, जिससे कि आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि कैसे इमेज, व्हाट वुड बी द क्वालिटी ऑफ द इमेजेस प्रोड्यूस्ड बाय दिस लेंस. ऑल्सो टू शो यू द ऑटो फोकसिंग केपेबिलिटीज, मैं कुछ सीरीज ऑफ किंगफिशर डाइविंग शॉट्स दिखाऊंगा. तो आप सोच सकते हैं कि मैंने इस लेंस से उसे कैसे ट्रैक किया है एंड द ऑटो फोकसिंग केपेबिलिटीज आर रियली गुड विच कैन बी डिटरमाइंड थ्रू दिस इमेजेस. तो चलिए देखते हैं आगे. ऑलराइट गाइस, आशा है कि आपको अभी तक वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आया है और आपने सारा सेक्शंस देखा कम्प्लीटली एंड आपको ये हेल्प किया डिसीजन बनाने में, तो मैं ये कहूँगा कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें. मैं इस चैनल को ग्रो करना चाहता हूँ एंड आपका ये एफ़र्ट मुझे बहुत हेल्प करेगा आगे बढ़ने में. इसके साथ ही मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर मुझे फॉलो करें क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम इमेजेस इस लेंस और कैमरा कॉम्बिनेशन से लिए गए हैं और आप उसे देख सकते हैं. एंड मेरे पास 200 to 500 mm लेंस भी है जैसे मैंने आपको बताया, बट आप उसको इस लेंस के साथ कंपेयर ना करें. ये बहुत शार्प है एज़ कम्पेयर टू दैट लेंस एंड बोथ आर टू डिफरेंट सेगमेंट्स ऑल टुगेदर. ये एक प्रीमियम लाइन ऑफ लेंसेस में आता है एंड निकॉन 200 to 500 एक बजट ओरिएंटेड वाइल्ड लाइफ लेंस है. इट्स अ शार्प लेंस बट ऑफकोर्स इसके कंपेरिजन में इट्स नॉट दैट गुड. अगेन वेदर सीलिंग के हिसाब से भी ये लेंस बहुत ही वेल बिल्ट है. ये उनके लिए बना है जो फोटोग्राफर्स बहुत ज़्यादा हाइक करते हैं एंड यू नो किलोमीटर्स टुगेदर, लोकेशन स्काउटिंग में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं. अगर आप बहुत ज़्यादा हाइट फोटोग्राफी करते हैं या सफारीज में जाते हैं, तब आई वुड से यू हैव, आपके पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं. तो 200 to 500 भी बहुत अच्छा लेंस है मैमल्स के लिए और मैं उसे अभी भी यूज़ करता हूँ फॉर मैमल्स क्योंकि मुझे वो जूम रेंज चाहिए. बट फॉर स्मॉल बर्ड्स एट अ कंसिडरेबल फार डिस्टेंस आपको ये 500 PF बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा एंड आपको डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करेगा. तो दिस इज़ द कंक्लूजन. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड मैं ऐसे बहुत सारे रिव्यूज़ एंड वाइल्ड लाइफ रिलेटेड वीडियोज़ आगे प्रोड्यूस करने वाला हूँ. तो
आप ज़रूर अपना सपोर्ट दें मुझे। लाइक ए सेड, आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं फॉर फर्दर अपडेट्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यू हैव अ गुड वन।